नर्मदे हर दोस्तों, हम निकल गए हैं द मेडी से अमरकंटक के लिए। अब 20 किलोमीटर लगभग हमें रोड से जाना है, फिर मैया की तरफ मुड़ना है। वहाँ से शॉर्टकट है मैया की तरफ मुड़ने के लिए, और यहाँ से रास्ता दुर्गम बताया गया, इस वजह से हम रोड से आए। और दमगढ़ से हम अंदर की तरफ जाएंगे, दमगढ़ से फिर दूधधारा कपिलधारा करते हुए अमरकंटक पहुंचेंगे। हम शाम तक हमारा टारगेट रहेगा अमरकंटक पहुंचे ही, लेकिन देखते हैं कितनी दूरी है, कैसा क्या है, उसके हिसाब से हम चले जाएंगे। हम बिलासपुर पहुंच गए हैं। बिलासपुर दमेड़ी से 10 किलोमीटर है। अब हमें लग रहा है कि हम अमरकंटक जा रहे हैं, क्योंकि घनदाट जंगल लग गया है। नर्मदे हर, ये जो आगे वाला पहाड़ दिख रहा है उसमें पूरा घनदाट जंगल है। अब दोपहर के बाद हमें जंगल से चलना होगा। अरे छोटे छोटे गांव रास्ते में लग रहे हैं, बहुत पास पास गांव है और छोटे छोटे गांव है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10-20 घरों के आदिवासी गांव। देखिए बिलासपुर के बाद करीब 1 किलोमीटर आने के बाद अब हम प्रॉपर घाट चढ़ चुके हैं। मोहदी यहाँ से 9 किलोमीटर दिखाया हुआ है, आगे प्रॉपर ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब ये जंगल ही है, जंगल शुरू हो गया है अमरकंटक का। यहाँ से धीरे धीरे हम घने जंगल में बढ़ते जाएंगे, और ये रास्ता हम 10 किलोमीटर बाद हम ये छोड़ने वाले हैं। रास्ता मतलब दोपहर तक, मतलब अभी बज रहे हैं 9:10, तो 12-1 बजे तक हम ये जंगल छोड़ देंगे और हम जाएंगे, नहीं हम ये रास्ता छोड़ देंगे और जंगल में जाएंगे। ऐसा ये घाट है, पहाड़ पहाड़ होते हुए रास्ता गया है। यहाँ पे एक मंदिर, भोलेनाथ जी है। भोलेनाथ जी का मंदिर घाट पे। यहीं से अमरकंटक का रास्ता अब शुरू हो जाता है, अमरकंटक का जंगल शुरू हो जाता है। अब सारे पहाड़ पहाड़ हमें आगे दिख रहे हैं, देखिए सारे पहाड़ है। हम मोहंदी में है, मोहंदी में हमारी भोजन प्रसादी दोपहर की हो गई है, नर्मदा कृपान्वित आश्रम में। यहाँ पे एक तालाब है, छोटा सा तालाब, और ये रास्ता, और ये अमरकंटक का जंगल आगे। अब हम ये मेन रोड छोड़ने वाले हैं और नर्मदा माई की तरफ मुड़ने वाले हैं, दूध धारा कपिल धारा की तरफ। आज मैक्सिमम रोड ही था, तो ज़्यादा वीडियो क्या बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन कल के लिए बहुत सारी वीडियो है, क्योंकि कल हम पंचधारा फिर दूध धारा फिर कपिल धारा के लिए है, उनके दर्शन होंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब हम यहाँ पे खाले टोला गांव है, खाले टोला गांव से मुड़ गए हैं अंदर की तरफ, मैया की तरफ जा रहे हैं।
ये झरना है, झरने को क्रॉस करके उस साइड जाएंगे मैया के किनारे किनारे। अब हमको किनारे जाके किसी आश्रम में शाम तक रुकना है, फिर सुबह उसी आश्रम से किनारे किनारे होते हुए हमें अमरकंटक पहुंचना है, ऐसा प्लानिंग करके चल रहे हैं हम। ये आगे जाके मैया में विलीन है नाला, इसको क्रॉस करके उस साइड जाना है। और यहाँ पे कंफर्म कर लेना है पहले ही कि ये नर्मदा माँ ना हो, नहीं तो गलती से क्रॉस हो सकते हैं, क्योंकि इस साइड बहुत छोटे हो गए वो। हम कंफर्म करते हैं फिर ही जाते हैं आगे। बड़ी मार्ग फिर ही समर के लिए जा रहे हैं, फिर ही समर। आगे अब मैक्सिमम पहाड़ी पहाड़ पहाड़ होते हुए जाना है, किनारे किनारे जंगल से होते हुए। अब हम गांव मेरिया से अंदर की तरफ एक रास्ता गया है राइट साइड से नीलकंठ आश्रम के लिए। वो मैया किनारा है, मैया के किनारे आश्रम है, और हम अब घनदाट जंगल में जा रहे हैं अमरकंटक के। अब यहाँ से देखिए आगे शुरू हो रहा है, शाम के 4:15 बज रहे हैं, और नीलकंठ आश्रम सड़क से, सड़क भी नहीं है वो, कच्चा रोड है कच्चा, वहाँ से एक छोटा रास्ता जाके 1.5 किलोमीटर का रास्ता है अंदर की तरफ जंगल की तरफ, वहाँ से मैया को टच है ये रास्ता। फिर वहाँ जाके हम 4:15 बज रहे अभी, तो अभी 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 4:30 बजे ही रुक जाएंगे आज हम, क्योंकि आगे का रास्ता घनदाट जंगल का है, और आगे का आश्रम या कोई गांव ऐसा कुछ ना होने की वजह से, टाइम से ना पहुँचने की वजह से हम जंगल में ही रह सकते हैं, इस वजह से आज यहीं पे रुकेंगे। देखिए जंगल लग गया ये अमरकंटक का जंगल। अमरकंटक का जंगल काफी घनदाट है, और मेखल पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब बहुत बड़ा बड़ा है पहाड़। अमरकंटक का घनदाट है जंगल पूरा। ये बाबा मिले हैं, ये देखिए ये है जंगल अब, और अभी इससे भी घना होगा, घना तो हो ही गया है यहाँ से। देखिए वो बाबा जी दिख रहे हैं, इससे भी घना होने वाला है। किनारे जा रहे हैं मैया के, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैया तो है ही साथ में। दूसरी बात, जंगली जानवर हमसे ही डरते हैं, क्योंकि उनके घर पे कब्जा हमने ही करके रखा है, इंसान नहीं, तो जंगली जानवर हमसे ही डर के रहते हैं, तो जंगली जानवर से इतना डरना नहीं होता, बस नीचे देख के थोड़ा चलना होता है, क्योंकि सांप पैर में आ सकता है, सांप वगैरह। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पत्ते रास्ते पे हट जाते हैं, यहाँ से इधर होते, इधर हो सकते हैं सांप, यहाँ पे दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख जाएगा, इस वजह से इधर कम ही आते हैं ऐसे जानवर वगैरह, इस साइड ही रहते हैं, तो इसमें जैसे क्या कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। बहुत घना जंगल, बिल्कुल शांत। हम जा रहे हैं मैया के किनारे, बिल्कुल
बिल्कुल शांत है, ऐसे एक भी पत्ता गिर जाए तो आवाज आ जाए, ऐसा शांत है। और अब पत्ता भी नहीं हिल रहा, देखिए कोई भी कुछ भी नहीं हिल रहा, हवा बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल शांत हो गया है। ऐसे में इंसान हो तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इससे भी खतरनाक जंगलों से आए हैं तो ये कुछ भी नहीं लग रहा, अब आराम से जा रहे हैं। और आपको आपका अपना चैनल राम राम इंडिया कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही। देखिए मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं इससे, बस हौसला बढ़ता है आपके कमेंट पढ़ के, और पढ़ता हूँ मैं कमेंट सबके, रिप्लाई समय के अभाव के वजह से नहीं दे पाता, लेकिन देने की कोशिश करूँगा। और लाइक तो पक्का ही करिए, हौसला बढ़ता है मेरा आपके लाइक देख के। अमरकंटक में है हम, जिला अनूपपुर है, माँ नर्मदा की नगरी। मैया के किनारे पहुंच गए हम, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, आगे नर्मदा नदी को पार ना करें, परिक्रमा मार्ग नीलकंठ जाने का रास्ता, मारेवा किनारे दर्शन स्थल। देखिए ये है नीलकंठ आश्रम, और जो आगे है वो नर्मदा माई है। आखिरकार हम पहुंच ही गए बाल स्वरूप नर्मदा माई के किनारे। देखिए इतने घने जंगल से नर्मदा मैया जाते हुए, और ये इतनी बड़ी दिखने वाली नर्मदा मैया यहाँ छोटी सी दिख रही है। अमरकंटक के जंगल में हम, हाँ, ये नर्मदा मैया देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है नर्मदा मैया। यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 फीट की नर्मदा मैया का पात्र है। वाह, इतनी छोटी नर्मदा मैया हो गई यहाँ पे बाल स्वरूप। पांच छह किलोमीटर नहीं, 5-6 फुट की मैया। देखिए जो इतनी बड़ी देखने की आदत हो गई है, अब ये इतना बड़ा पात्र देख के हमें अजीब लग रहा है। आज दर्शन बाल स्वरूप नर्मदा मैया की हो ही गए। क्या लीला है मैया की। हाँ जी, ये आगे सामने नीलकंठ आश्रम, देखिए मैया का पात्र कितना सा है इधर। क्या ये दक्षिण तट है और आगे नहीं यार, ये उत्तर तट है और आगे दक्षिण तट है, देखिए कितने पास में वो। और यहाँ पे कितना धोखा हो सकता है, कोई दूसरा झरना समझ के यहाँ पे क्रॉस कर दे कोई, लेकिन आगे प्रॉपर छोटा सा बोर्ड लगाया है, लेकिन जो जाता है उसको मालूम होता है। ये नीलकंठ आश्रम है, गणेश जी की
बड़ी सी मूर्ति। पहले गणेश जी के दर्शन, देख के बहुत बड़े मूर्ति के मैं हैं गणेश जी मैया के किनारे। और यहाँ पे नीलकंठ आश्रम, मैया के किनारे सुंदर सा आश्रम। लगता है मंदिर अभी बनाया है। नर्मदे हर बाबा जी, इधर से जाना है क्या? मैया के किनारे नीलकंठ आश्रम। ये आश्रम मिलेगा ग्राम मीरिया से, आप जैसे ही मुड़ते हैं राइट साइड वैसे ही मिलेगा ये आश्रम। यहाँ पे आना चाहिए आपको। दोस्तों हम नीलकंठ आश्रम में है, मैया यहाँ से बाल रूप में है और यहाँ का आश्रम देख लीजिए आप। ये आश्रम है और बाबा जी यहाँ पे संभालते हैं। आइए बाबा जी, आप किचन भी देखते हैं आपका, आइए। ये देखिए किचन, यहाँ पे ऐसे भोजन प्रसादी बनती है परिक्रमा वासियों के लिए। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर दास। रामेश्वर दास। और बाबा जी हमें एक बात बताइए कि कहाँ से आता है यहाँ पे? यहाँ आता है बाबा गांव गांव से भक्त लोग एक एक दो दो मुट्ठी ला के यहाँ सेवा के लिए राशन पानी देते हैं। और कोई सरकार से आवक नहीं है, हाँ। न कोई पंचायत से आवक नहीं है। अच्छा, यहाँ भक्त लोग जो गांव वाले एक एक दो दो मुट्ठी करके, हाँ, देते वो हैं। भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी वो जितना होता है उनमें से देते हाँ, होंगे, बहुत है ना? गरीब क्षेत्र है ये। यहाँ सेवा में लगे हैं, जो टूटी फूटी होता है वो सेवा देते हैं। अच्छा। जो कहीं कभी कोई फुलका पाएंगे ये बोल रहे हैं तो फुलका भी नहीं, आटा नहीं मिलता है तो आटा भी नहीं, हम चोखा मात्र चावल खिलाते हैं। अच्छा, और कितने परिक्रमावासी रुकते अरे हैं? परिक्रमावासी कभी 30 होते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 10 होते हैं। और जंगल में ले आना बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल सामान है बापू, यहाँ कोई सामान भी नहीं आ रहा है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं, लाइट का भी प्रॉब्लम है यहाँ। लाइट, हाँ लाइट भी नहीं है शायद। लाइट नहीं है यहाँ, जो सोलर से चल रहा है लाइट उजेला, और लकड़ी से उजेला होना होता है, नहीं और कुछ से उजेला नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो हम राम राम इंडिया, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसकी तरफ से हम आपको कुछ योगदान देना चाहेंगे। बहुत अच्छी है, योगदान दोगे तो ठीक है, ठीक है। और आप आशीर्वाद दे दीजिए, जो दे रहे हैं वो जो देख रहे हैं वही दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। हाँ, तो आशीर्वाद दे दीजिए अपने शब्दों में। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद है मेरे तरफ से। यहाँ जो आप सेवा दे रहे हो तो बहुत आनंद की बात है, मैया का सेवा है, हमारा कोई सेवा नहीं, माता जी का सेवा दे रहे हो, उसमें कोई द्विमत की बात नहीं। हाँ बिल्कुल, तो आप एक बार आश्रम देख लीजिए दोस्तों, और आश्रम की परिस्थिति और यहाँ पे जो सेवा करते हैं उनकी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति है उसमें सेवा बहुत ज़्यादा हो रही है देखिए। और परिक्रमावासी कहाँ रहते हैं, ये तो किचन था, कहाँ रहते हैं वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मंदिर है, ये मैया का मंदिर बनाया है, मैया की मूर्ति। अधिक भीड़ हो जाता है तो यहाँ भी सुलाते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ भी सुलाते हैं। अधिक भीड़ हो जाता है तो यहाँ भी सुलाते हैं, भोलेनाथ के पास भी सुलाते हैं। अरे बाप रे, भोलेनाथ जी तो मैंने देखे ही नहीं थे। अरे वाह, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, ये देखिए। और कितना साफ सुथरा है परिसर,
ये आपको एक बार आके देखना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर देखे हमने, लेकिन साफ सुथरे के नाम पे जीरो होते। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है, मेहनत दिखती है यहाँ पे सेवा की। यहाँ भी सुलाते हैं ये कमरा। ये देखिए यहाँ पे एक ये पक्का कमरा बनाया है, किसी ने दानकर्ता ने बनाया हुआ है। देखिए मंदिर सुंदर, सेवा तो बहुत अच्छी है बाबा जी की। और यहाँ पे हम जो भी हमसे बने वो कर रहे हैं, राम राम इंडिया परिवार की तरफ से हम देना चाहेंगे योगदान। और अमरकंटक की धरती पे ये दान हो रहा है, तो जिन्होंने भी ये दान किया है उनको मैया का आशीर्वाद ज़रूर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि उनका संपत्ति से घर भरा रहे और सुख सुविधा हर मिले उनको। नर्मदे हर। नीलकंठ आश्रम का एक किचन था, अब परिक्रमावासी जहाँ पे रुकते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये झोपड़ी है, वो ऐसे बनाया गया है और परिक्रमावासी के लिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन जो है बहुत अच्छा है। प्रॉपर जंगल में कैसे रहा जाता है, यहाँ से व्यू मिलेगा उधर। सब लकड़ी से बनाया गया। यहाँ पे सोया है छोटू। अरे जंगल अमरकंटक का, अमरकंटक का घना जंगल यहीं से शुरू हो जाता है। और ये नीलकंठ आश्रम देख रहे हैं आप अमरकंटक में। मैया के किनारे नीलकंठ आश्रम, बस दे दीजिए इनको। नहीं नहीं महाराज नहीं, मुझे नहीं।